जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अष्टम भाव में बृहस्पति की सभी स्थितियों के बारे में। अब तक हमने बात की लगन से लेकर सप्तम भाव के अंदर बृहस्पति सभी अलग अलग स्थितियों में क्या फल देते हैं। आज चर्चा होगी कि आपकी लगन कुंडली के अष्टम भाव में बृहस्पति किसी भी अवस्था में है, चाहे वो उच्च के हैं, नीच के हैं, मित्र राशि, शत्रु राशि, अस्त हैं, वक्री हैं, या और भी किसी अवस्था के अंदर हैं, राहु केतु अक्ष पर हैं, तो उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या वो आपके लिए शुभ है, क्या अशुभ है। क्योंकि अब यहाँ बात हो रही है अष्टम भाव की, यानी एक तो होता है भाव और एक होता है ग्रह। जैसे हर घर का एक वातावरण है, ऐसी हर भाव का एक वातावरण है, उसके अपने कारकत्व होते हैं। और ऐसा ही एक ग्रह है, जैसे व्यक्ति के अपने एक स्वभाव होता है, ऐसी ग्रह का अपना स्वभाव होता है। अष्टम भाव से हम देखते हैं ससुराल पक्ष, टैक्स, धन की स्थितियाँ, पैतृक संपत्ति या छुपा हुआ धन या गड़ा हुआ धन, या हस्बैंड वाइफ दोनों का एक म्यूचुअल धन जो होता है वो, सीक्रेट रिलेशनशिप यानी गुप्त संबंध, गुप्त साधना, अचानक से होने वाली घटनाएं चाहे वो शुभ हैं या अशुभ हैं, शास्त्र का ज्ञान होना, समाधि लेना, साधना होना, अकल्ट साइंस यानी जो पुराना शास्त्र है उसके प्रति अपनी रुचि दिखाना, तंत्र मंत्र साधना, ये सब अष्टम भाव में ही आती हैं। वहीं अष्टम भाव को मर्चन, दुविधा और परेशानी का भाव भी कहते हैं। अब गुरु ग्रह, जिसको हम दूसरे घर यानी धन का, संतान का, भाग्य, कर्म, लाभ का कारक ग्रह कहते हैं, वो ग्रह बृहस्पति जो काल पुरुष में भाग्य और खर्च दोनों को संभालता है, वो अब आठवें घर के अंदर बैठ गया। अब इतने सारे कारकत्वों का जब एक साथ मिलन हो तो वो कैसा फल देगा, इसको समझने की बात है। इसलिए बहुत आसान नहीं है कि बृहस्पति एर्थ हाउस में है तो कैसे फल देगा, कहाँ है, कैसी स्थिति में है, किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, कितनी डिग्री पे बैठा है, उसका नवमांश कुंडली में कैसा फल है, ये सब कुछ हमें देखना होता है। तो आइए सबसे पहले बहुत साधारण तौर पर जानते हैं कि अगर किसी की कुंडली में आठवें घर में गुरु है तो उसके ऊपर शुभ होने के क्या प्रभाव है और अशुभ होने के क्या प्रभाव है। देखिए, ये आठवां घर है और आठवें घर के अंदर यहाँ गुरु बैठ गए हैं। अब गुरु ग्रह को सबसे पहले ये जान लो वो शुभ कैसे होता है और अशुभ कैसे होता है। जैसे सबसे पहले हम शुभ की बात करते हैं, अगर ग्रह अपनी राशि में है यानी धनु में या मीन में, ग्रह मित्र की राशि में है यानी सूर्य, चंद्र और मंगल की राशियां मित्र कहलाती हैं, और चंद्रमा की राशि में ये उच्च का होता है, अगर ये इस अवस्था में यहां बैठा है तो ये शुभ है। अब इसके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल लेते हैं। अगर ये शुभ होते हुए भी सूर्य से अस्त है तो उसमें कमी आएगी, शुभ होते हुए ये वक्री हो गया है, प्रॉब्लम आएगी, शुभ होते हुए राहु केतु एक्सेस पे हो गया है और पीड़ित हो गया, या यहाँ अष्टम में नीच का ही हो गया, 6, 8, 12 के ग्रहों से इसका संबंध हो गया, शुभ प्रभाव इस पे नहीं है, शुभ ग्रह इसके साथ नहीं है, तो ये ग्रह पीड़ित होता चला जाता है। इसलिए बहुत बार लोगों की कुंडली में आठवें घर में स्वराशि या उच्च का गुरु है, उसको कोई बताता है कि यहाँ स्वराशि उच्च का होकर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो फल नहीं दे रहा क्योंकि वो पीड़ित हो गया है। इसलिए आपको दोनों डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि पीड़ित क्या होता है और शुभ क्या होता है। तो अष्टम भाव के अंदर आप इतना तो जरूर नोट कर ही सकते हैं कि अब मेरा ये प्लेनेट पीड़ित है या शुभ है या अशुभ है, या अच्छे फल देगा या खराब फल देगा या एवरेज फल देगा। मान लीजिए शुभ ग्रह है और पीड़ित है तो क्या हुआ, एवरेज हो गया, ना अच्छे दे रहा ना बुरे दे रहा, पीड़ित है बहुत खराब हो गया तो अशुभ ही फल देगा। जैसे सबसे पहले अष्टम भाव से हम देखते हैं ससुराल पक्ष। अब किसी का बृहस्पति अगर अष्टम भाव में बैठा है तो उस व्यक्ति के ससुराल पक्ष के साथ संबंध खराब होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आठवां घर ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में अड़चने देगा। आपको कभी वहां से संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, आपको वहां से प्रॉब्लम्स ही रहेंगी, चाहे वो आपकी प्रॉब्लम हो चाहे ससुराल वाले आपको प्रॉब्लम दे, लेकिन आपको वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और अगर बृहस्पति यहाँ पीड़ित है, जिसको मैं अड़चन, दुविधा, परेशानी का भाव कहता हूँ, और आठवें घर में बृहस्पति पीड़ित हुआ है तो ससुराल से संबंध तो है ही खराब, उसके अलावा दूसरे घर का कारक है तो जीवन पर्यंत धन से संबंधित समस्या, संतान प्राप्ति में समस्या, संतान के साथ संबंधों में समस्या, भाग्य के अंदर रुकावट या बाधा आना, प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव रहना, लाभ का पूरा ना मिलना या पूर्ण मेहनत करके भी अच्छा फल या अच्छा लाभ ना मिलना भी
इसी गुरु की वजह से देखा जाता है। और इसके विपरीत अगर गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा है और शुभ है तो ये सारे कारकतों के फल मिलेंगे। एक अच्छी ससुराल मिलेगी, पैसे वाली ससुराल मिलेगी कि पत्नी भी बहुत सारा धन लेकर आ रही है और ससुराल से भी अच्छा सम्मान आपको मिल रहा है। टैक्स जो अगर बृहस्पति एड था उसमें पीड़ित है तो ऐसे लोग क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स से संबंधित कार्यों के अंदर घपला करते हैं, फ्रॉड करते हैं, बाद में उनको मान सम्मान हानि भी होती है। पॉलिसी के अंदर आजकल लोग बहुत घपला कर रहे हैं, वो इसी कॉम्बिनेशंस के अंदर अधिकतर देखा जाता है, क्योंकि बृहस्पति ओवरऑल है तो धन का ही कारक। एट हाउस में बैठेगा तो पैसे से संबंधित घपला करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि यहां से बैठ के दूसरे घर यानी धन को वो देख रहा है, अब पीड़ित होकर देख रहा है, इसलिए उसका दिमाग पैसे कमाने में है, चाहे चोरी से, किसी तरीके से, गलत कार्यों से, किसी भी तरीके से धन छुपाने से, सरकार के साथ फ्रॉड करने से, लोगों के साथ फ्रॉड करने पे पैसा कमाएगा, लेकिन इस तरीके के कमाता है और बाद में उसको प्रॉब्लम होती है। म्यूचुअल धन यानी हस्बैंड वाइफ दोनों का धन जो होता है, अगर बृहस्पति एर्थ हाउस में स्वस्थ है तो हस्बैंड वाइफ दोनों कमाएंगे, जोड़ेंगे भी, यानी संपत्ति को इकट्ठा करेंगे, धन को इकट्ठा करेंगे। और बृहस्पति यहाँ पर पीड़ित हो गया है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में पैसा जुड़ता नहीं और पैसे को लेकर ही दोनों के बीच में डिस्प्यूट होने शुरू हो जाते हैं। एर्थ हाउस में जुपिटर स्वस्थ है, अवश्य ही पैतृक संपत्ति मिलती है। बहुत बार तो जो पारिवारिक रूप से पैसा चलता हुआ आ रहा है कि पहले पड़दादा के पास, फिर दादा के पास, फिर पिता के पास और पोते के पास संपत्ति मिल गई, जमीन मिल गई, सोना चांदी मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई, तो वो स्वस्थ बृहस्पति से देखा जाता है, क्योंकि जब बृहस्पति स्वस्थ होगा तो यहाँ से बैठ के फोर्थ हाउस को देखेगा। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति का होता है। और अगर बृहस्पति बहुत अच्छा है तो ऐसे लोगों को राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता मिल जाती है, पैसा उनके पास बहुत अच्छा होता है। और ये बृहस्पति पीड़ित है तो पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, विवाद होता है, कोर्ट कचहरी होती है, झगड़ा झंझट होता है, समस्या निकलती है। गुप्त संबंध, बृहस्पति विवेक का कारक ग्रह है, समझदारी का कारक ग्रह है। और जब ये कारक ग्रह पीड़ित हो जाए तो क्या होता है, व्यक्ति का विवेक और व्यक्ति की समझदारी शून्य हो जाती है। और जब विवेक उसकी समझदारी शून्य होती है तो एट हाउस में पीड़ित बृहस्पति आपसे फिर विपरीत कार्य कराने शुरू कर देता है, वो सभी कार्य जो सामाजिकता से हटके हों, आपके विवेक को शून्य कर रहा है, समझदारी को शून्य कर रहा है। क्या करेगा, पहले आपके जीवन साथी से आपका मोह भंग करेगा, रीजन उसका कुछ भी हो, मान लीजिए लेजी है जीवन साथी, फैटी हो गया है, सुंदरता में उसकी कमी आ गई है, दोनों के रिलेशनशिप्स खराब होते चले जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर उसकी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, तो ये आफ्टर मैरिज बहुत देखा जाता है इस चीज़ को, तो वो सीक्रेट रिलेशनशिप्स, गुप्त संबंध भी ऐसी स्थिति में देखे जाते हैं। अष्टम भाव को हम साधना का भाव भी कहते हैं, समाधि का भाव, इसको जैमिनी ऋषि ने कहा है। शास्त्र कहता है कि आठवें घर के अंदर मोक्ष त्रिकोण राशि यानी 4-8-12 की राशि हो, या धर्म त्रिकोण राशि 1-5-9 की राशि हो, गुरु वहां बैठा हो, उस पर शुभ प्रभाव हो, या कह सकते हैं कि आठवें घर के अंदर मोक्ष त्रिकोण राशि है और उस पर धर्म त्रिकोण राशि के स्वामी का प्रभाव है, यानी 1-5-9 के स्वामी कौन है, स्वयं बृहस्पति हैं, सूर्य और मंगल हैं, और 4-8-12 के स्वामी कौन है, चंद्रमा है, मंगल और बृहस्पति, यानी बृहस्पति इसमें कॉमन है, अशुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा योगी, साधना करने वाला, आध्यात्मिक गुरु, जगत गुरु, इस प्रकार के योग लोग भी ऐसे देखे जाते हैं। और अगर बृहस्पति यहाँ पीड़ित हो गया है तो व्यक्ति क्या है, तंत्र साधना में एंट्री करता है, फिर वो लोगों के साथ ऐसे काम करता है कि तंत्र साधना करके उनके साथ कुछ उनका ले लेगा, वो लालची स्वभाव का हो जाएगा, उसको लोगों के धन को झपटने की आदत हो जाएगी, उसको लोगों के धन को लेने की आदत हो जाएगी, वो छल से, कपट से, किसी भी तरीके से आपको बहला फुसला के, किसी भी झांसे में लाकर कोई भी फ्रॉड कर सकता है आपके साथ। एट्थ हाउस में जुपिटर अच्छा है तो आपका विवाह वैवाहिक संबंध बहुत शुभ रहता है, मांगल्य संबंध अच्छे रहते हैं। और अगर जुपिटर पीड़ित होता है तो कहते हैं ये आपके जीवन में तलाक तक की स्थितियां देने में सक्षम है। और स्त्रियों की कुंडलियों के लिए पति कारक कहा जाता है गुरु, अगर वो वहां पीड़ित है तो पति के साथ संबंध खराब होते हैं, विवाह होने में प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत बार देखा जाता है बहुत पीड़ित है तो पति की मृत्यु तक भी हो जाती है। शास्त्र का ज्ञान रखना, शास्त्र की नॉलेज रखना, ऐसे लोगों को आता है, अगर बृहस्पति शुभ है तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रीय क्रियाकलाप से पैसा कमाता है, पूजा से, पाठ से, कर्मकांड से, ज्योतिष से, साधना से पैसा कमाएगा।
LIC का एजेंट बन जाएगा तो पैसा कमाएगा, इसके विपरीत पीढ़ी तो क्या होगा, पाखंडी हो जाएगा, धन लोलुप हो जाएगा, लालची हो जाएगा, खराब चीजों से पैसा कमाना शुरू कर देगा। अब यहां पर बृहस्पति अगर अस्त हो जाए तो अस्त होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि अस्त का मतलब है उस ग्रह के कारकत्व खत्म हो गए। ग्रह तो मजबूत है, ग्रह तो अच्छा बैठ गया, लेकिन वो अस्त हो गया, करना तो अच्छा चाहता है लेकिन अपनी दशा में उतना कर नहीं पाता। बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपको 100 में से 70-80% रिजल्ट हाथ में आता है, और ये बृहस्पति पीड़ित होके अस्त हो जाए तो अपनी दशा के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम देगा, अड़चने देगा, दुविधाएं, परेशानी, आए दिन नया संकट, नई परेशानी, आपको हेल्थ इश्यूज भी देगा, आपको कर्ज भी देगा, आपको पैसे की प्रॉब्लम देगा, आपको जॉब प्रॉब्लम देगा, मैरिड लाइफ प्रॉब्लम देगा, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम देगा, नौकरी के अंदर अप्स एंड डाउन देगा, व्यापार में घाटा देगा। वक्री प्लेनेट अगर यहाँ बैठता है तो 6-8 बारे में वक्री प्लेनेट बहुत अच्छा नहीं होता। इंटेलिजेंसी के हिसाब से तो अच्छा है कि व्यक्ति का बढ़िया अच्छा विवेक है, समझदार है, इंटेलिजेंसी है, लेकिन वो इंटेलिजेंसी आपको किसी काम नहीं आ रही। बहुत बार तो क्या है, अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए व्यक्ति बढ़ चढ़ के काम करता है, लोग बाहर उसको देखते समझ जाते हैं कि अब ये आ गया है, ज़बरदस्ती इस काम में घुसेगा, चाहे उसको कोई पूछे ना पूछे, लेकिन फिर भी अपनी इंटेलिजेंसी को शो करेगा। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, वक्री बृहस्पति अगर यहाँ हो तो शुगर के रोग, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, लीवर की प्रॉब्लम देने में सक्षम है, मोटापा देगा, डिसबैलेंस कर देगा बॉडी को, लाइफ स्टाइल को ख़राब कर देगा। अगर ये बृहस्पति यहाँ पर स्वराशि का हो, अष्टमेश अष्टम में, तो आयु के लिए सुंदर है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शुभ स्थिति में है तो आयु अच्छी, स्वास्थ्य अच्छा, पैतृक संपत्ति, भूमि जमीन जायदाद, अच्छा धन और ससुराल पक्ष का लाभ, जीवन साथी का लाभ, मांगल्य जीवन अच्छा होता है, सोर्स ऑफ इनकम अच्छे होते हैं, धन के आगमन अच्छे होते हैं, अपने बल पर पैसा इकट्ठा करना, अपने बल पर फॉरेन ट्रैवलिंग करना, अपने बल पर अपने भाग्य को बनाना, अपने बल पर प्रॉपर्टी खरीदना। इसके विपरीत अगर ये बृहस्पति यहाँ पीड़ित हो गया, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, वो उन सारी चीज़ों में कमी आती चली जाती है, क्योंकि अगर बृहस्पति यहाँ शुभ है तो वो एकादशेश होके भी शुभ है, इसको कहते हैं झटके से मिलने वाला धन भी इसी कॉम्बिनेशन में आता है। अगर ये बृहस्पति यहाँ पंचम और अष्टम का मालिक होके हो और स्वस्थ अवस्था में हो तो ये एजुकेशनली बहुत अच्छा है, शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा, रिसर्च के सब्जेक्ट पढ़ाएगा, रिसर्च के कार्य कराएगा, फॉरेन ट्रेवलिंग कराएगा, विदेश यात्रा कराएगा। शास्त्र कहता है कि अष्टम में बृहस्पति बैठा हो, अशुभ प्रभाव ना हो, जलीय राशि में हो, तो व्यक्ति जहाजी यात्रा करता है, पानी की यात्राएं करता है, विदेश यात्रा होती है, आज के समय में जहाज की यात्रा कम होती है पानी के, विदेश यात्रा, हवाई यात्रा ज़्यादा होती है, तो वो उस लिहाज से अच्छा है, पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए भी घर से दूर जाता है अगर यहाँ पर बृहस्पति स्वस्थ अवस्था में बैठा हुआ है। ये बृहस्पति भी अपने आप में अच्छा है। नीच का हो जाए तो क्या होगा, नीच का प्लेनेट है, सबसे पहले देखिए नीच भंग है या नहीं है। शनि अगर केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठ गया है, यानी 1, 4, 7, 10 में या 5 और 9 में बैठ गया, तो गुरु का नीचभंग राजयोग है। बस ये कहानी यहीं तक ही होनी चाहिए कि गुरु नीच है और उसका नीचभंग हो रहा है। लेकिन अगर गुरु के साथ सूर्य ने उसको अस्त भी कर रखा है, राहु केतु ने भी पकड़ा हुआ है, अशुभ प्रभाव भी उसके ऊपर है, क्योंकि मिथुन लग्न के लिए मंगल का संबंध अगर इससे आ जाए, जैसे मंगल मान लीजिए इसको देखने लगे, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी कि नीचभंग भी करा शनि ने फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए सिर्फ नीचभंग होना चाहिए, शनि केंद्र त्रिकोण में हो, शनि अस्त ना हो, शनि को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो गुरु अच्छे फल दे सकता है। इसके विपरीत अगर बृहस्पति अष्टम भाव में नीच का है तो वो प्रॉब्लम देगा, वो आपके विवाह में प्रॉब्लम देगा, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देगा, विवाह कराने में, विवाह चलाने में, ससुराल पक्ष से, पैतृक संपत्ति से, धन से प्रॉब्लम देगा। व्यापार अगर ऐसे में कर लिया तो बहुत सारे व्यापार बदलने पड़ेंगे, नौकरी कर ली तो नौकरी में चेंजेस आते हैं समय समय पर, यानी प्रोफेशनल लाइफ स्थिर नहीं रहती, मान सम्मान स्थिर नहीं रहता, बहुत कुछ करने के बाद भी मान सम्मान नहीं मिलता। उच्च का होके बैठा हो तो मैंने अभी भी आपको बताया कि उच्च का बृहस्पति है, अष्टम भाव में है, कहाँ बैठा है, चंद्रमा की राशि में है, तो व्यक्ति को योगी, साधु, आध्यात्म, धार्मिक गुरु, कर्मकांड, ज्योतिष, वेद, वेदांग, अकल्ट साइंस पढ़ने वाला, डीप नॉलेज रखने वाला, साधना करने वाला, लोगों को बताने वाला या प्रीचिंग्स उपदेश देने वाला, चल अचल संपत्ति लेने वाला होता है, क्योंकि अपने घर को देख रहा है यहाँ से बृहस्पति, इसका मतलब है खुद अपने बल पर भी भूमि जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी लेता है और परिवार से भी मिलती है, मान सम्मान बनाता है अपने लेवल पर, क्योंकि वो लग्नेश होकर अष्टम में हो चुका है, यहाँ से बैठ के 12वें घर को देखता है तो फॉरेन ट्रेवलिंग्स करता है, पैसा कमाता है, बाहर के दूर दूर के लोगों से जुड़कर पैसा कमाता है,
जितना पीड़ित होगा उतना प्रॉब्लम देगा। अब आती है बृहस्पति की दृष्टियों का फल। तीन दृष्टि देता है बृहस्पति, पांचवी, सातवीं और नौवीं। पंचम दृष्टि, जिसको हम संतान की दृष्टि, बुद्धि की दृष्टि, निर्णय की दृष्टि कहते हैं, कि बृहस्पति अगर एट हाउस में बैठ के बाहर गया तो बहुत बार व्यक्ति के दिमाग में बात होती है, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे जन्म स्थान को छोड़ना है, मुझे किसी दूसरी जगह जाना है, मैं बाहर जाऊंगा, मैं विदेश जाऊंगा, मैं दूर स्थान से जुड़ूंगा, वहीं से जाके मैं जीवन यापन करूंगा, वहां से एजुकेशन करूंगा, वहीं नौकरी करूंगा, पैसा कमाऊंगा, और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति स्वभाव में खर्चीले भी देखे जाते हैं, कि एट्थ हाउस में जुपिटर है, ट्वेल्थ हाउस को देखेगा, पैसा भले ही कमाएगा लेकिन खर्च भी पूरी अच्छी तरीके से करता रहेगा। बृहस्पति अगर यहाँ स्वस्थ है तो व्यक्ति अवश्य विदेश जाएगा, विदेश जाएगा, विदेश में पढ़ेगा भी, नौकरी भी करेगा, वहीं पर सेटल भी हो जाएगा और वहीं पे प्रॉपर्टी भी खरीद लेगा, अगर बृहस्पति पांचवें घर में शुभ अवस्था में दृष्टि देता है। अब यही बृहस्पति यहाँ देख रहा है दूसरे घर को, तो दूसरा घर प्योरली धन का है, धन का कारक धन को देख रहा, कैसी भी अवस्था में बृहस्पति है, धन के साधन बनते ही हैं, खुद भी नहीं बनाएगा तो भी कुछ लोग उसको ऐसे मिल जाएंगे जो उसको पैसा देंगे, और शुभ स्थिति में तो अपने बल पे भी पैसा कमाएगा, कुटुंब का पैसा ले लेगा, परिवार का पैसा लेके काम में लगाएगा और उससे और अच्छा पैसा कमाएगा, ये भी दूसरे घर के उससे। और ये बृहस्पति अष्टम में होकर पीड़ित है तो खुद का भी पैसा डुबा देगा, दूसरे का भी पैसा डुबा देगा। चौथे घर पे भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, शुभ दृष्टि है तो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति ससुराल पक्ष से धन पत्नी से धन पैतृक संपत्ति सब कुछ दिलाएगा, और इसके विपरीत है तो अपने बल पे मकान नहीं बना पाता, बहुत बहुत उम्र हो जाती है, घर से दूर रहता है, किराए के मकानों में रहता है, जाके बाहर भी चला जाएगा, अपना मकान होते हुए भी अपने मकान का सुख नहीं ले पाएगा। ये सब इस बृहस्पति से संबंधित स्थितियाँ दृष्टि के तौर पर देखी जाती। तो आज मैंने आपको बताया कि भैया आठवें घर के अंदर अगर बृहस्पति सभी अवस्थाओं में अगर बैठ जाए तो वो आपको कैसे फल देगा। सामान्य तौर पर अष्टम में बैठे हुए बृहस्पति के ये फल हैं, खास तौर पर जब इसकी दशा आएगी तब आपके ऊपर इसका और अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो अपनी कुंडली उठाइए, देखिए कि आपका बृहस्पति एट्थ हाउस में है, कैसी स्थिति में है, तो उसकी दशा आपके जीवन में कैसी जाएगी या वो आपको कैसे परिणाम दे रहा है। जय श्री राम।